पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में कोई फर्क नहीं, नैब अब ऐब बन गया है, हुकूमत ने इदारों को तबाह कर दिया। वजीर आजम ने कहा घबराना नहीं, अब वो खुद घबरा रहे हैं। सिराजुल हक की इमरान खान पर लफ्जी गोलाबारी, कहा नए ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में पेश होना चाहिए। नैब के जो नए ऑर्डिनेंस जारी किए गए और ऑर्डिनेंस के जरिए फैसले करने का मतलब यही है कि हुकूमत खुद दीवानों से खौफजदा है। वजीर आजम साहब कहते हैं कि घबराना नहीं और अब ये लपस छोड़ गए हैं इसलिए कि अब खुद भी घबराते हैं। तब्दीली का मतलब यही था कि आप यहाँ कानून और आइन की हुक्मरानी कायम करेंगे, आप इदारों को मजबूत करेंगे। तो सबसे ज्यादा आपने तो मुल्क के इदारों को तबाह और बर्बाद किया। सेनेट का इजलास नहीं हो रहा है इसलिए कि हुकूमत उसको फेस नहीं कर सकती। कौमी असेंबली में फैसले नहीं हो रहे हैं, पहले कैबिनेट में कुछ न कुछ फैसले होते थे, अब वहाँ भी नहीं, मशीरों के दरमियान और एडवाइजर के दरमियान फैसले होते हैं।